हम सब खड़े हैं कानपुर की उन गलियों में जहां पर कमलनाथ का जन्म हुआ और कमलनाथ का बचपन बीता। उसी के बाद कानपुर में अब लोगों में खुशी का माहौल है कि आखिरकार कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्र सरकार में कई बार प्रतिनिधि कर चुके हैं, कई मंत्रालय मंत्री रहे हैं, अब जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का मानना है कि कमलनाथ जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके सर पर जो मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, तो उससे एक और जहां कानपुर गौरवान्वित महसूस करेगा, तो वहीं कोई ना कोई उम्मीदें भी जुड़ेंगी कानपुर को लेकर, कानपुर विकास को लेकर। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानपुर के मौजूद व्यक्ति, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ महसूस करते हैं सर आज जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसका फायदा कानपुर को भी होना चाहिए ऐसे मेरा सोचना है। कमलनाथ जी सेंटर में मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे विभागों के, और आज मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अगर उनको राहुल जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो कमलनाथ मध्य प्रदेश की तरक्की के साथ साथ अपने जन्म स्थान का भी ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। कानपुर, मैं बताऊं आपको कि बहुत मेधा कानपुर ने दी है। कानपुर से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने यही शिक्षा हासिल की थी और देश में नया कीर्तिमान बनाया था। अब जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं मध्य प्रदेश को लेकर, तो कानपुर वासियों को खुशी है। और उनका एक और मानना है कि व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन जहां उसका जन्म होता है वहां उसकी जड़ें जुड़ी हुई होती है, वहां से एक विशेष लगाव रखता है। मैं रजनीश दीक्षित, ईटीवी भारत, कानपुर।